Hello friends, very warm welcome to Chiggy's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, today we will discuss all about WHO. आज हम लोग बात करेंगे World Health Organization के बारे में, और WHO जो है इसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोलते हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, मीन्स कि अब से 72 ईयर्स एगो, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ। उसके बाद 150 ऑफिस जो हैं इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, और 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस इसके हैं, और इसका जो बजट है वो है $7.96 बिलियन, और इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडहानोम, ठीक है, ये इसके हेड हैं फिलहाल में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा में, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और 7 अप्रैल को जो है हम लोग हेल्थ डे के नाम से भी जानते हैं, हम लोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, तो वो इसीलिए मनाते हैं कि 7 अप्रैल को जो है WHO की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसके क्या क्या कार्य हैं, ये क्या क्या काम करता है, ये गवर्नमेंट बॉडी है तो ये क्या क्या काम करता है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस पे बात करते हैं। तो ये स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये गैर संचारी रोग जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं उन पे ये काम करता है, ये संचारी रोग जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उन पे काम करता है, और जो कॉरपोरेट सर्विसेज हैं उनमें काम करता है, और जो सर्विलांस हैं या जो रिस्पॉन्स हैं उन पे काम करता है, निगरानी एवं प्रतिक्रियाएं पे जो है ये काम करता है, और ये जो है दो रिपोर्ट जारी करता है ये, एक रिपोर्ट जो है उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, और दूसरी रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। तो ये दो रिपोर्ट ये जारी करता है, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो WHO के प्रयासों से ही जो है, WHO के जो वहाँ पे जो एफर्ट्स हैं उन्हीं से जो है स्मॉल पॉक्स जो हुआ था 1980 में उसका सॉल्यूशन वहाँ पे फाइंड किया गया था। और WHO के साथ में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है, जो सौम्या स्वामीनाथन है ये पहली प्रथम महिला हैं ऐसी जो भारतीय हैं, और WHO की उपनिदेशक रही हुई हैं, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, कि कोई महिला जो है, कोई भारतीय महिला जो है वो WHO की वहाँ पे उपनिदेशक बनी हो, ठीक है। तो ये सभी जो हैं यहाँ पे फैक्ट्स हैं या कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है WHO से रिलेटेड।